अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर 2020। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम लघु त्रि प्रश्नों को और पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारी पार्ट 1 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, पार्ट 2 अति लघु त्रि और पार्ट 3 दोस्तों आज हम लघु त्रि क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपका एक भी नंबर मतलब बाहर से नहीं आने वाला पेपर पूरा, दोस्तों मतलब इन तीन वीडियो से ही आपका पेपर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को जी हाँ दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, आपकी डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के लघु त्रि प्रश्नों को। देखिए, राष्ट्रीय सद्भावना के उन्नयन में शिक्षा एवं शिक्षण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड 2019 में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय एकता की भावना वास्तव में इस ओर इंगित करती है कि व्यक्ति राष्ट्र के लिए, राष्ट्र व्यक्ति के लिए नहीं है। यह वह भावना है जो व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग कर राष्ट्र कल्याण के लिए प्रेरित करती है। इसका तात्पर्य एक राष्ट्र के निवासियों को उस आंतरिक एकता से है जिसमें वह अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति एवं प्रांत के संकीर्ण हितों को भूलकर संपूर्ण राष्ट्र के हितों का ध्यान रखते हैं। इसी कारण दोस्तों विचारकों का मानना है कि राष्ट्रीय एकता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति एवं एकीकरण की भावना है जो व्यक्ति को विघटनकारी प्रवृत्तियों से दूर रखती है। यह भावना व्यक्तियों के अंदर उन गुणों को पल्लवित करती है जो राष्ट्र के विकास में सहयोग देते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता एक सर्वोपरि आवश्यकता है। डॉक्टर श्रीमाली ने कहा, ठीक ही कहा है कि यदि हम मुश्किल से मिलने वाली अपनी आजादी की सुरक्षा एवं समृद्धि चाहते हैं तो हमें राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता था, इसको देखते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति विद धातु अप्रत्यय लगाने से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान का मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया, ठीक है, अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में आप प्रत्यय लगने से बना है जिसका तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना। इस दृष्टि से शिक्षा एक प्रक्रिया है, इसमें सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। यह प्रक्रिया मानव जीवन के किसी विशेष स्तर तक ही सीमित नहीं रहती, वरन बालक में जन्म के साथ ही शिक्षा प्रक्रिया आरंभ होकर आजीवन चलती रहती है। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। देखिए, शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, ठीक है ना। शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई है। पहला दोस्तों आपका है एडुकेटम, ठीक है, शिक्षित करना। टू ट्रेन, एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। दूसरा दोस्तों आपका आता है एडसियर, ठीक है ना, विकसित करना या निकालना। तीसरा एडुकेयर, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना अथवा विकसित करना। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। देखिए, संकुचित रूप में स्कूली शिक्षा को ही शिक्षा कहते हैं। इस रूप में वयस्क वर्ग एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक के सामने एक विशेष प्रकार के नियंत्रित वातावरण को प्रस्तुत करके एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि के द्वारा निश्चित काल में समाप्त करने का प्रयास करता है जिससे उसका मानसिक विकास हो जाए। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का व्यापक अर्थ आपको बताना है। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ बालक के उन सभी अनुभव से है जिनका प्रभाव उसके ऊपर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ता है, अर्थात शिक्षा वह अनियंत्रित वातावरण है जिसमें रहते हुए बालक अपनी प्रकृति के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करता है तथा विकसित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि शिक्षा की संकल्पना आपको स्पष्ट करना है। देखिए, शिक्षा मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपने अंदर निहित शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। अथवा शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली क्रिया है। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सके। मतलब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है, कैसे। देखिए गाइस, ये सब क्वेश्चन लघु त्रि हैं, तो अगर आप इसमें थोड़ा बहुत बनाकर भी लिखेंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, भारतीय वाडम्य में शिक्षा को जीवन के शाश्वत मूल के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा को विद्या या ज्ञान के रूप में संज्ञापित किया गया है।
वस्तुतः मानव जीवन में आने वाली झंझावटों, उलझनों, शंकाओं का मूल कारण अशिक्षा या अज्ञान ही होता है। अशिक्षा या अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। प्लूटो का कथन है, अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म ना लेना ही अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने, तो इस लाइन को जरा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि शिक्षा अमूल्य धन किस प्रकार है। देखिए, भारतीय साहित्य में तो शिक्षा को ऐसा अमूल्य धन माना गया है जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य को किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। ठीक है, किम किम न साधयति कल्पते विद्या, अर्थात विद्या या शिक्षा कल्पता के समान है जो सभी चीजों की पूर्ति करने वाली होती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन में शिक्षा का क्या कथन है। देखिए, मानव जीवन में शिक्षा का आदरणीय स्थान है। जीवन में प्रारंभिक वर्षों में मानव शिशु पराश्रित होता है, किंतु शिक्षा वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से अन्य पर निर्भर शिशु क्रमशः अपना विकास करता है और समाज में उपयुक्त स्थान प्राप्त करता है। वह शिक्षा द्वारा ही अपना सर्वांगीण विकास करके अपने को अन्य चेतना प्राणियों से अलग रखता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया, स्पष्ट कीजिए। 2016 में आया हुआ शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, ठीक है ना, एजुकेशन इज ट्राईपोलर प्रोसेस। देखिए, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। एडम्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का खंडन करते हुए जॉन डीवी ने लिखा है कि शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक, पूर्ण नहीं हो सकता। तो जॉन डीवी का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को निश्चित समय में निश्चित विधि से निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है, इसलिए शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ निश्चित पाठ्यक्रम का होना भी आवश्यक क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताएं आपको बतानी थी, तो देखते हैं। पहला, मोक्ष प्राप्त करना। दूसरा, संस्कृति का संरक्षण। स्वस्थ चरित्र का विकास करना। सामाजिक कुशलता की प्राप्ति और व्यक्तित्व का विकास। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, शिक्षा मानव जीवन के विकास की वह प्रक्रिया जो सहसों से प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती है, अर्थात शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे मानव जीवन अपने आप को आवश्यकता अनुसार भौतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक वातावरण के अनुसार बना लेता है। यह कथन किसका है? तो दोस्त, यह जो कथन है वो रेमंड का है। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा शास्त्री रेमंड। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शिक्षा का महत्व आपको स्पष्ट करना है। देखिए, व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा ही है जैसा बिना पतवार के नाव। शिक्षा का महत्व अनेक दृष्टिकोण से है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। इसका कार्य क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसके अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनको पूरा करने से व्यक्ति अपने जीवन को सुखी तथा सफल बनाते हुए सामाजिक कार्यों को उचित समय पर पूरा करने के योग्य बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के व्यक्ति संबंधी कार्य कौन कौन से, इसको देखिए। पहला, देखिए, आंतरिक शक्तियों का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, भावी जीवन की तैयारी करना, नैतिक उत्थान करना, मानवीय गुणों का विकास करना, आत्मनिर्भर बनना, ठीक है, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षा के समाज संबंधी कार्य आपको लिखना है। सामाजिक नियमों का ज्ञान, प्राचीन साहित्य का ज्ञान, कुरीतियों के आवरण में सहायक, सामाजिक भावना का विकास, सामाजिक उन्नति में सहायक, धर्मों के विषय में और उदार दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के राष्ट्र संबंधी कार्य बताना है। देखिए, भावात्मकता, एकता, ठीक है, भावात्मक एकता हो गया, कुशल नागरिक, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, सार्वजनिक हित संबंधी कार्य और राष्ट्रीय आय संबंधी कार्य, राष्ट्रीय अनुशासन अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान। अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों से आपको क्या अभिप्राय है। ठीक है ना, शिक्षा का उद्देश्य देखते हैं। मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष या दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को सफल बनाने के लिए उद्देश्य का विशेष महत्व होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यदि लक्ष्य निश्चित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति की क्रिया उस समय तक उत्साहपूर्वक चलती है जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। जैसे जैसे लक्ष्य निकट आता जाता है वैसे वैसे उसकी क्रियाओं में भी अंतर आता जाता है। अंत में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने को ही मतलब उद्देश्य हम यहाँ पर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में उद्देश्यों की क्या आवश्यकता है। देखिए, जब व्यक्ति किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है तो उसके मन में दोस्तों दृढ़ता तथा आत्मबल जागृत हो जाता है। इससे दोस्तों वह एकाग्र होकर अपने कार्य को पूरा पूरा मतलब उत्साह के साथ लग जाता है। यही नहीं, उद्देश्य हमें शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग करने, साधनों का चयन करने, उचित पाठ्यक्रम की रचना करने तथा परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में भी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। शिक्षा के उद्देश्यों के विभिन्न स्वरूप होते हैं, लेकिन ये उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है।
इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए कुछ विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। शिक्षा ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रतिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपकी दृष्टि से मैं मतलब शिक्षा के समान उद्देश्य कौन से हो सकते हैं? पहला देखिए चरित्र निर्माण एवं विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, ज्ञान संबंधी उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, गैर संतुलित विकास का उद्देश्य। ऐसे दोस्तों आप बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि व्यक्ति के चरित्रवान होना क्यों आवश्यक होता है? देखिए सामाजिक जीवन अथवा धार्मिक जीवन का चरित्रवान होना आवश्यक है। अंग्रेजी के विद्वान ने कहा है यदि चरित्र चला जाए तो सब कुछ खो दिया। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट। अतः व्यक्ति के चरित्र के निर्माण में शिक्षा सर्वाधिक योगदान देती है। मानव को मानव बनाकर रखना, सिखाना शिक्षा का परम लक्ष्य होता है। यदि व्यक्ति का चरित्र ऊंचा है तो वह सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्तर को उच्चता के शिखर पर पहुंचा देगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि शिक्षा के जीविकोपार्जन के उद्देश्य का क्या महत्व है? देखिए अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी जीविका संचालित करने के योग्य बने। यदि वह स्वयं को संसार में समायोजित करना चाहता है अथवा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है तो जीविका कमाना आवश्यक होता है, अन्यथा दोस्तों वह समाज पर एक बोझ बनकर रह जाता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बालकों की व्यावसायिक रुचियों को विकसित करके उस पर मतलब एक सही दिशा का पथ प्रदर्शन कर सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों के सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य का क्या स्थान है? देखिए गाइस, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर किसी देश की संस्कृति का विकास संभव है। जो शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति मानव जीवन की आधारशिला और प्रारंभिक वस्तु है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता तथा प्रथा तथा अन्य योग्यताएं और आदतें सम्मिलित हैं जिनको दोस्तों मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जो विद्वान व्यक्ति को समाज के ऊपर स्थान देते हैं उनको स्मरण रखना चाहिए। निज समाज मतलब व्यक्ति कोरी कल्पना है, अतः शिक्षा का उद्देश्य ठीक है आपके व्यक्तिगत चरित्र स्मरण रखना चाहिए। अतः निज समाज व्यक्ति कोरी कल्पना है, अतः शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत चरित्र गठन के साथ साथ बालक को सच्चा सामाजिक प्राणी तथा नागरिक बनाना है। यह कथन किसका दोस्त? यह कथन भी आपका रेमंड का है। अभी आपने एक रेमंड का कथन और देखा था, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो सामाजिक उद्देश्य के संकुचित अर्थ से क्या है आपको ये बताना। देखिए संकुचित अर्थ में राष्ट्र स्वयं ही शिक्षा की एक सुनिश्चित प्रणाली बनाकर लागू करता है। इसके अनुसार मानव की स्वतंत्रता का दमन करके मानवीय जीवन के प्रत्येक अंग का पूर्ण रूपेण सामाजिकरण कर दिया जाता है। अतः शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति अपार भक्ति की भावना विकास किया जाना परा आवश्यक है, ठीक है, बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है इसको देखते हैं। आपकी दृष्टि में वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए पहला तो आपका दर्शन हो सकता है, जीवन दर्शन, राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा, आर्थिक दशाएं, तकनीकी उन्नति और प्राकृतिक दशाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है इसको देखते हैं अब हम लोग। देखिए प्रत्येक व्यक्ति में कुछ क्षमताएं जन्म से ही होती है जो उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहती है। यही दोस्तों क्षमताएं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती हैं। वर्तमान काल में बहुत सी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जहां पर बालकों को क्रिया करने का स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होता है और संस्थाएं उसके व्यवहार को परिमार्जित करके उसे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा के नियम ढीले तथा लचीले रहते हैं, इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है अनौपचारिक शिक्षा की परिभाषा आपको यहाँ पर देनी है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा अनौपचारिकता से मुक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो अनौपचारिक शिक्षा सीमाओं और कमियों को ही पूर्ति करती है। इस व्यवस्था में वे औपचारिक मतलब तत्व नहीं है जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करती है। अतः यह औपचारिकता से मुक्त की मतलब शिक्षा व्यवस्था है। यह एक सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है जो समुदाय की आवश्यकता अनुसार नगम और ग्राम क्षेत्र की स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि औपचारिक साधनों से क्या अभिप्राय है आपको ये बताना है। देखिए शिक्षा के औपचारिक साधनों के अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्ण निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए ठीक है शिक्षा के संकुचित अथवा निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है। इनके कार्य करने का स्थान तथा समय भी निश्चित होता है। इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्ति भी करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप समझ गए तो बाकी पिछला वाला पॉइंट अगर आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं।
तो देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य सामान्य तथा आदर्शात्मक होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक, विशिष्ट तथा समय अनुसार होता है। औपचारिक शिक्षा सामाजिक जीवन की आकांक्षाओं, मान्यताओं, आदर्शों तथा आवश्यकताओं का प्रतीक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निहित आवश्यकताओं तथा समस्याओं की जानकारी तथा उनका समाधान है। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है, यह नियंत्रित तथा क्रमिक है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। फिर औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर अधिक बल देती है। औपचारिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व्यापक, बहुउद्देशीय एवं जीवन से संबंध है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का उद्देश्य सीमित तथा सामाजिक वातावरण हेतु है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग कि दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। देखिए, सैद्धांतिक रूप से दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है, जो परंपरागत औपचारिक शिक्षा शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ इससे पृथक मापदंडों को प्राथमिकता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य इसकी अपनी तार्किक भाषा तथा संवाद विधि भी है, जो शिक्षण संस्थाओं को दूर निवास करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित तथा अमुद्रित बहु माध्यमों का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के मध्य संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। अब बात होगी दोस्तों, दूरस्थ जो शिक्षा के कितने घटक होते हैं, इसके देखिए निम्न घटक है, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा और पत्राचार शिक्षा। तो देखिए गाइस, अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करके रखेंगे तो कोई भी दिक्कत पेपर में आपको नहीं आने वाली। अगला प्रश्न क्या है कि पत्राचार शिक्षा से क्या तात्पर्य है। देखिए, पत्राचार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें मुद्रित शिक्षा सामग्री को डाक के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रेषित की जाती है तथा अनुसरणीय शिक्षणात्मक संप्रेषण को भी डाक के द्वारा प्रभावी बनाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा को किन किन माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, दूरस्थ शिक्षा के सफल संचालन हेतु एवं व्यवस्था हेतु अग्र तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। पहला देखिए, मुद्रित सामग्री होगी, श्रव्य दृश्य सामग्री, अध्ययन समूह, रेडियो तथा दूरदर्शन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिए, वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनोभाव, ठीक है, पहले वह इंसान बनो भारतीय। ठीक है, ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान है, पर जो ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्यों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवृत्त करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, सा विद्या या विमुक्ति है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताएं संक्षेप में आपको बताना है। शिक्षा पूरी तरह से राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा। शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। शिक्षा मतलब पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक थी, शिक्षा सावासीय थी। गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम के कौन कौन से विषय शामिल थे। देखिएगा, इस वैदिक शिक्षा पूर्णतया आध्यात्मिक व व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी, इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। बालकों के वेद, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान आवश्यक था। शिक्षण का माध्यम आपका संस्कृत था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी। देखिए, शिक्षण विधि मौखिक थी, छात्र आचार्य द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ करता था। इस काल की प्रमुख तीन विधियां श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। सर्वप्रथम छात्र गुरु की कही गई बातों को सुनता था, फिर जो कुछ सुना उसके मन में चिंतन करता था और उसे अपने व्यवहार में उतारता था। कोई शंका होने पर उसका समाधान करता था, इस प्रकार ज्ञान स्थायी हो जाता था। इसके अलावा मतलब व्याख्यान तथा प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद, शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनाई जाती थी। आगमन निगमन एवं उदाहरण विधि द्वारा भी विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। सीधे उद्देश्य पर हम आएंगे। देखिए, बौद्ध धर्म मध्यम वर्गीय का मतलब पक्षधर था, इसलिए उसमें जो शिक्षा व्यवस्था थी उसका उद्देश्य शिक्षा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे और उसमें जाति, धर्म, वर्ग, लिंग का भेदभाव नहीं था। ठीक है, इसके दोस्तों उद्देश्य देखते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, आइए देखते हैं। बौद्ध कालीन शिक्षा बालक के शुद्ध चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। ठीक है, सात्विक जीवन से ही मतलब जीवन में साधा जीवन उच्च विचार का उद्देश्य पूरा हो सकता था। ठीक है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, इसको याद रखिएगा, सादा जीवन, उच्च विचार। फिर दोस्तों देखिए दूसरा पॉइंट, बौद्ध कालीन शिक्षा बालक में सामाजिक कुशलता के विकास पर जोर देती थी।
ताकि वह समाज का योग्य नागरिक बन सके। तीसरा पॉइंट, बौद्ध धर्म केवल भारत में ही नहीं विदेशी में भी फैला था, इसलिए इस युग की शिक्षा का एक लक्ष्य राष्ट्रीय संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना था। चौथा पॉइंट, बौद्ध एक धर्म था और धर्म का आध्यात्मिकता से निकट संबंध होता है, अतएव बौद्ध धर्म का अंतिम एवं प्रमुख लक्ष्य सत्य की खोज या निर्वाण की प्राप्ति था। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषता आपको बतानी है। तो पहली विशेषता क्या है कि शिक्षा सार्वभौमिक थी, जाति धर्म का कोई बंधन नहीं था, प्राथमिक शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क थी, शिक्षा व्यवस्था का मूल केंद्र संघ होता था। उसके बाद देखिए शिक्षा का माध्यम जनभाषा थी, यही इस शिक्षा प्रणाली की लोकप्रियता का मुख्य कारण भी था। शिक्षा प्रणाली जनतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित थी और बौद्ध शिक्षा में दोस्तों संस्कारों को महत्व दिया गया। बौद्ध शिक्षा पद्धति की एक विशेषता है शास्त्रीय विवाद भी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो पहला दोस्तों देखिए नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, ओदंतपुरी, काशी, मिथिला तथा जगदला। बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम था, आपको यह बताना है। इस शिक्षा प्रणाली का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक व व्यवहारिक था। धार्मिक पाठ्यक्रम में बौद्ध साहित्य का अध्ययन और लौकिक पाठ्यक्रम में अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्लविद्या, शिल्पकला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। ठीक है, बौद्ध शिक्षा मूलतः तो धार्मिक थी किंतु सामान्य व्यवसायों कताई बुनाई, ठीक है, सिलाई, शिल्प, निर्माण कला की भी शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा मतलब क्या थी, स्थिति क्या थी इनकी। तो बौद्ध धर्म में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रोहित लेने वाली महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी। मठ या विहार में महिलाओं को बिछुड़ी के रूप में रहना पड़ता था, उन्हें भी बिच्छुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। अगला क्वेश्चन क्या रहा दोस्तों, बौद्ध शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में क्या समानताएं थी, आपको यह बताना है। एक तरफ देखिए बौद्ध शिक्षा, दूसरा वैदिक शिक्षा। समानता दोस्तों लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति, लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति, शिक्षा प्रारंभ की आयु 8 वर्ष, 8 वर्ष यहाँ पर शिक्षा का प्रारंभ संस्कार थे, शिक्षा का प्रारंभ संस्कार थे, ठीक है, विचाटन शिष्य की दिनचर्या, और यहाँ पर भी विचाटन शिष्य की दिनचर्या। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में कौन कौन सी असमानताएं थी। ठीक, समानता नहीं असमानता। तो असमानता दोस्तों देखते हैं, देखिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मकसद था बौद्ध शिक्षा में, वैदिक में ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था। यह संघ का वर्चस्व था, यहाँ पर गुरु का वर्चस्व था, शिक्षा समुदाय प्रधान थी, शिक्षा परिवार प्रधान थी, कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर, जीवन सादगीपूर्ण था। फिर देखिए उपसंपदा संस्कार के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य, यहाँ समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश। संघ में पुरुष या स्त्री साथ रहते थे, गुरुकुल में साथ रहना अनुमेय नहीं था, मध्यम पाली या जनभाषा था, माध्यम संस्कृत थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए जाति धर्म से परे, जाति पर आधारित थी, संघ का विद्यालय पर नियंत्रण, गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त। तो दोस्तों आप समझ रहे होंगे किसी की बढ़िया किसी की खराब, सब में दोस्तों कुछ ना कुछ विभिन्नता यहाँ पर थी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से थे ये बताना है। तो मुस्लिम शिक्षा के जो केंद्र थे आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि। मध्यकालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, देखिए मध्यकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम धर्म व संस्कृति का प्रचार करना था। सांसारिक या भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति थी, इन लोगों का मानना था कि जीवन में सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए पढ़ना लिखना बेहद जरूरी है। ठीक है, मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य इस्लाम के अनुयायियों में ज्ञान के प्रकाश का विस्तार करना था। फिर शासन के सुदृढ़ बनाने के योग्य व कुशलतम लोगों की आवश्यकता थी और शिक्षा के प्रचार व प्रसार द्वारा ही राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हो सकती थी। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं बताइए। देखिए पहले शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत थी, शिक्षा निःशुल्क थी, शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी, शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा से क्या है। देखिए इस्लाम धर्म में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक नहीं था, महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे जनसाधारण तक तो कम थे, लेकिन शाही घरानों व कुलीन वर्गों में बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी, वे सभी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा को व्यवस्था करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मुस्लिम कालीन शिक्षा के गुरु शिष्य संबंध कैसे थे। इस्लामी संस्कृति में भी यह भी माना जाता है कि उस्ताद की मेहरबानी के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। छात्र शिक्षक का आदर सम्मान करते थे तथा उनकी आज्ञा का पालन करते थे, गुरु शिष्य को पुत्रवत व्यवहार करते थे, व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का अपने गुरु से और भी मतलब निकट का संबंध होता था, क्योंकि
अपने शिल्प में क्षमता प्राप्त करने के लिए गुरु के पास निरंतर रहना आवश्यक था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए, लॉर्ड मैकाले ने निस्संदन, इसको ध्यान रखिएगा, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसका कथन था कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुंचे, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करें। वुड के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थी, इसको देखते हैं दोस्तों। तो सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान रखकर शिक्षा नीति को बनाया अपनी नवीन लक्ष्यों को। इसी कारण इसे शिक्षा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मुख्य बातें देखिए, शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोखले विधेयक की मुख्य विशेषता क्या थी? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों को निःशुल्क न लिया जाए, मतलब फ्री में। स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं। स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर टाक समिति ने किन बातों की अनुशंसा की है? पहला देखिए, देश में प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ पर प्रगति का संतोषजनक नहीं कहा जा सका। अपव्यय व अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो, पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाए, विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार मतलब इसके अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है? मतलब कौन कौन से कब स्कूल में खुलना है, छुट्टी क्या करना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ आपको बताना है। देखिए, आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति का अर्थ प्रदान करता है तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इन सब कार्यों को सही दिशा में देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना? तो ऐसे बनाकर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तिगत ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत व्यक्तित्व का मतलब उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति है। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ होता है कि स्व की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, आदर्शवाद के अनुसार आत्मानुभूति के 4 स्तर कौन कौन से, इसको जरा देखते हैं। पहला दोस्तों स्तर है शारीरिक स्व का विकास, अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा सामाजिक स्व का विकास, अर्थात सामाजिकता का विकास करना। तीसरा बौद्धिक स्व का विकास, अर्थात मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा आध्यात्मिक स्व का विकास, अर्थात आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, हमारा आध्यात्मिकता या शक्तियों बात वही है। आदर्शवाद के दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम की विवेचना आपको करनी है। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में, आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, सत्यम का ज्ञान करने वाले विषय, देखिए भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रिया आदि। शिवम का ज्ञान करने वाले विषय, धर्म, आध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित क्रियाएं, सैनिक, शिक्षा, उद्योग आदि। सुंदरम का ज्ञान करने वाले विषय, देखिए कविता हो गया, संगीत, कला, कौशल, निर्माण, रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई सुरक्षा की क्रियाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा, आदर्शवादी विचारकों द्वारा किन शिक्षण विधियों को अपनाया गया, इसको जरा देखते हैं। तो आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित हैं तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि की खोज सरलता से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारकों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया। सुकरात द्वारा 200 प्रश्नोत्तर विधि, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। अगर किसी का नाम भी है तो दोस्तों आप ऐसे इसको बना करके लिख सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है, प्लेटो द्वारा दोस्तों संवाद विधि, अरस्तु द्वारा आगमन निगमन की विधि, क्रिस्टालॉजी द्वारा अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि, हर्बर्ट के द्वारा निर्देशन विधि, फ्रॉबेल के द्वारा खेल विधि, हीगल के द्वारा तर्क विधि। अगला क्वेश्चन क्या, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है? देखिए, आदर्शवाद शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। विद्यालय बाग है, छात्र कोमल पौधा है और शिक्षक कुशल माली है।
माली की अनुपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होगा। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए, या फिर माली के लिए कुछ कार्य है, वह अपने कार्य में कौशल निपुण होता है, इसलिए दोस्तों वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि आदर्शवादी विचारक शिक्षार्थियों में किन गुणों का समावेश करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों कौन कौन से दोस्तों गुण का समावेश करना चाहते हैं। चलिए पहला गुण देखते हैं, उच्च संकल्प शक्ति, दूसरा मूल्यों में विश्वास रखने वाला, तीसरा शुद्ध चरित्रता, विनयशीलता, गुरु भक्ति, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, परोपकारी, सर्व हितकारी, न्यायप्रिय, सद्मूल्यों से युक्त, निर्णय लेने में समर्थ। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार अनुशासन का क्या अर्थ होता है। देखिए आदर्शवादियों का विश्वास है कि विद्यार्थी का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहकर ही आत्मानुभूति या आध्यात्मिकता के सर्वोच्च आदर्श को वो प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो उनके अनुसार दोस्तों अनुशासन का जो अर्थ होता है वो नम्रता होता है, शिष्टता होता है, आज्ञाकारिता के नैतिक मूल्यों का विकास करना। तो बना बनाकर दोस्तों लिखिएगा, हम आपको सब कुछ पढ़कर सुना दे रहे हैं, याद कर लीजिएगा, 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, तो आराम से लघु उत्तरीय प्रश्नों का आप हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए पहला कार्य समाज के भावी स्वरूप का निर्धारण, समाज की नेतृत्व शक्ति हेतु नागरिकों का निर्माण, समाज की अनुपयुक्त परंपराओं का विरोध तथा समाज सुधार का कार्य, समाज की विविध समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान, समाज की नैतिक दृष्टि से उन्नति की ओर ले जाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आदर्शवाद की प्रासंगिकता बताइए आपको। तो चलिए दोस्तों सीधे देखते हैं, पहला पॉइंट, आदर्शवादी शिक्षा में बालक को व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, दूसरा विद्यार्थी में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे श्रेष्ठ गुणों का आध्यात्मिक पहलू का विकास करना। दोस्तों भी हमने आपको दिखाया था सत्यम शिवम सुंदरम वाला पूरा मैटर, ठीक है ना, तो इसको आप जरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शिवम यहाँ पर था, सुंदरम यहाँ था, सत्यम यहाँ था, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की देव सदृश भूमिका को स्वीकार करना, आत्मानुशासन एवं आत्मचरित्र का विकास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आते हैं हम लोग, प्रकृतिवाद क्या है, प्रकृतिवाद की परिभाषा आपको लिखनी है। जेम्स वाट के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, ठीक है ना। तो ब्राइस के अनुसार क्या, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी प्रमुख विशेषता आध्यात्मिकता का विरोध बहिष्कार करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवादी दर्शन की विशेषताएं आपको बतानी है। चलिए विशेषताएं देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है, प्रकृतिवादी प्रकृति को सर्वोपरि मानता है, इसके अलावा ईश्वर आत्मा आदि की सत्ता नहीं मानता, संसार की दोस्तों फिर उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और अंत में सभी कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। तीसरा बिंदु क्या है, यह संसार भौतिक और तथा मतलब आध्यात्मिकता का विरोध करता है। चौथा, आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है, सत्य ज्ञान का अनुभव एवं बोध प्राप्त करने में इंद्रियों का अतिशय महत्व होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं आपको बतानी है। तो दोस्तों पहली विशेषता क्या रही कि प्रकृति का अनुसरण करने पर बल, शिक्षा प्रक्रिया में बालक को केंद्रीय स्थान, बालक की स्वतंत्रता पर बल, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, निषेधात्मक शिक्षा पर जोर, प्रगतिशीलता इंद्रियों इंद्रिया ज्ञान के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। देखिए शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाता है। रूसो के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया नहीं उत्पन्न करते अपितु संसर्ग के परिणाम स्वरूप उसमें जो कृत्रिमता का समावेश हो जाता है उससे उसकी रक्षा करते हैं। रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का कटु आलोचक है तथा वह प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानता है तथा बालक को ईश्वर की सर्वोच्च कृति। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक, देखिए याद रखिएगा इसको दोस्तों, थोड़ा हाईलाइट करते हैं, जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में रहता है तब तक वह सद्गुणी शुभ तथा श्रेष्ठ होता है, परंतु मानव व समाज के संपर्क में आकर वह विद्रूप हो जाता है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बताते हैं मतलब, किंतु मानव हस्तक्षेप से वह अनिष्टकारी बन जाती है, ठीक है ना। जैसे आप ये समझिए कि ईश्वर सभी वस्तुओं को क्या बनाता है, अच्छी बनाता है, ऐसे यहाँ लिखा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम के स्वरूप का विवेचन आपको करना। देखिए प्रकृतिवादी विद्यार्थी या शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम का आधार मानते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम की रूपरेखा शिक्षार्थी की क्या हो, रुचियों पर होनी चाहिए, योग्यताओं, क्षमताओं, मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक क्रियाओं, पांचवा बिंदु व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर तैयार होनी चाहिए, जिससे वह अपनी अभिरुचियों को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित करके विकास की विभिन्न अवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए मानव जीवन को पूर्णता के साथ जी सके। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, प्रगतिवादी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार पाठ्यक्रम की क्या रूपरेखा है, तो इसको दोस्तों देखते हैं। तो प्रगतिवादी विचारक हर्बर्ट स्पेंसर के व्यापक
एवं विस्तृत रूप में पाठ्यक्रम में को रेखा चित्र के माध्यम से अग्रलिखित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं पाठ्यक्रम। देखिए पहले आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास के लिए, फिर देखिए जीविकोपार्जन संबंधी गुणों के विकास के लिए, तीसरा संतति पालन संबंधी गुणों के विकास के लिए, चौथा है कि सामाजिक या राजनीतिक संबंधों के निर्वहन के लिए, फिर अवकाश के लिए, अवकाश के समय सदुपयोग के लिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान, व्यायाम आदि, या विविध प्रकार के वैज्ञानिक विषय, गणित, भूगोल आदि। इसमें दोस्तों आता संतति पालन में कि यौन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, बाल मनोविज्ञान, गृह विज्ञान आदि। सामाजिक में दोस्तों वही सामाजिक, समाज विज्ञानों के इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि, संगीत, ललित कलाएं और साहित्य आदि, ये इसमें दोस्तों था। अवकाश के समय के सदुपयोग के लिए, ठीक है, इसमें ये था ये वाला। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रगतिवाद की क्या देने। तो दोस्तों चलिए हम सीधे हेडिंग पर आते हैं। पहला दोस्तों हेडिंग आपका रहेगा, देखिए हेडिंग को याद रखेंगे तो बेहतर होगा। पहला दोस्तों आपका है स्व अधिगम विधि। प्रगतिवादी इंद्रियों को ज्ञान का द्वार मानते हैं और पुस्तकीय शिक्षा का विरोध करते हैं, ठीक है। फिर करके सीखने या क्रिया विधि। प्रगतिवादी रहते तथा निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करते हैं तथा करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करते हैं। तीसरा आपका खेल विधि। शैशवावस्था खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल खेल में बालक बहुत कुछ जान व समझ सकते हैं। फिर भ्रमण विधि। प्रगतिवादी विद्यालय की चार दीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाकर तथा प्राकृतिक घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप को देखकर शिक्षा प्राप्त करने का समर्थन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रगतिवादियों ने कौन कौन सी मतलब शिक्षण प्रणालियों का समर्थन किया था, इसको जरा दोस्तों देखते हैं। पहला दोस्तों डाल्टन प्रणाली, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, मॉन्टेसरी योजना और किंडरगार्टन प्रणाली। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, प्रगतिवाद किस अनुशासन की बात करता है। देखिए प्रगतिवाद दोस्तों दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता है तथा मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। कौन सा अनुशासन मुक्तियात्मक अनुशासन की बात करता है और दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता है। प्रगतिवादी विचारकों का मानना है कि गलत कार्यों के लिए प्रकृति स्वयं दंडित करेगी तथा अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत भी करेगी, किंतु बहुत से विचारकों ने प्राकृतिक परिणामों द्वारा मतलब अनुशासन को स्वीकार नहीं किया है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। देखिए प्रगतिवाद के अनुसार विद्यालय का स्वरूप क्या होना चाहिए। देखिए विद्यालय के स्वरूप और व्यवस्था के संबंध में प्रगतिवादियों का कहना है कि विद्यालय को प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। वास्तविक विद्यालय तो प्रकृति स्वयं ही है, फिर भी यदि औपचारिक शिक्षा देने वाले सामाजिक विद्यालय की कल्पना की जाए तो वह कृत्रिमकता एवं औपचारिकताओं से विहीन होना चाहिए। कक्षा, वर्ग, समय सारिणी, परीक्षा आदि का बंधन नहीं होना चाहिए। विद्यालय में बालक या बालिकाओं दोनों से सम्मिलित रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधुनिक शिक्षा में प्रगतिवाद के योगदान की चर्चा करिए। पहला योगदान, इस विचारधारा ने आधुनिक शिक्षा को बाल केंद्रित दृष्टिकोण से पूरित किया। इसी विचारधारा के कारण आज शिक्षा में बालकों के स्वतंत्र चिंतन, अनुभवशीलता, क्रियाशीलता एवं खेल विधि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तीसरा बिंदु, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की प्रमुखता देने का श्रेय प्रगतिवाद को है। चौथा, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक एवं जनतांत्रिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय भी प्रगतिवाद को ही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्रैग्मेटिज्म शब्द की व्युत्पत्ति बताना है आपको। देखिए प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन है और इसे आंग्ल भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। यह शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मा और प्रैग्मेटिक्स से बना हुआ है। इसमें दोस्तों प्रैग्मा का अर्थ होता है क्रिया हुआ कार्य, ठीक है, किया हुआ कार्य हो गया, क्रिया लिखा है, ठीक है। व्यवसाय हो गया दोस्तों आपका प्रभावपूर्ण कार्य, और प्रैग्मेटिक्स का अर्थ होता है आपका प्रैक्टिबिलिटी अर्थात दोस्तों व्यवहारिकता, ठीक है ना। उसका देखिए इसका आशय होता है कि यह सभी विचारों, मूल्य एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रयोजनवाद से क्या आशय होता है, ठीक है ना। देखिए संक्षेप में प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। इसके अनुसार सत्य का मूल्य व्यवहारिक है क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। जॉन डीवी इस दर्शन के महान प्रतिपादक हैं। उनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में साध्य नहीं है, अपितु साधन है। उन्होंने मानवीय समस्याओं को के हल के लिए मतलब वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रयोजनवाद किन किन विद्वानों ने क्या नामकरण किया। देखिए प्रयोजनवाद का नामकरण दोस्तों निम्न विद्वानों ने किया है। पहला दोस्तों चार्ल्स सेंडर्स पियर्स, अर्थ क्रियावाद या व्यवहारवाद, विलियम जेम्स अनुभववाद या फलवाद, जॉन डीवी दोस्तों साधनवाद, कारणवाद, पुनर्रचनात्मकवाद,
प्रयोगवाद, और किल पैट्रिक ने दोस्तों प्रयोजनवाद का है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोजनवाद परंपरागत और अनुदार ज्ञान के विरुद्ध क्रांति है। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा अनुभव का पुनर्निर्माण या पुनर्रचना वाली प्रक्रिया है। शिक्षा वातावरण के साथ अनुकूल सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है। शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा सामाजिक जीवन का आधार है तथा सामाजिक कुशलता प्राप्त करने की प्रक्रिया है। शिक्षा एक दोस्तों लोकतंत्रीय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या? सीधे उद्देश्य पर आते हैं। पहला उद्देश्य दोस्तों प्रयोजनवाद का ये समझ सकते हैं, नवीन आदर्शों मूल्यों का सृजन करना, सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करना, वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना, अनुभव का पुनर्निर्माण करना, सत्यान्वेषण की योग्यता विकसित करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रयोजनवाद ने पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी किन सिद्धांतों का विवेचन, मतलब इसका विवेचन आपको करना है। देखिए, किसी पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम को स्वीकृति न देते हुए प्रयोजनवादी विचारक अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल देते हैं। उनके अनुसार हमारा पाठ्यक्रम देश, काल, परिस्थितियों, विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकता, योग्यता व उपयोगिता आदि को ध्यान में रखकर निर्मित होना चाहिए। वे पाठ्यक्रम समय की मांग और परिवेश के अनुरूप परिवर्तित होते रहना चाहिए। अब दोस्तों इसके चलिए सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग। उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनुभव केंद्रित सिद्धांत, क्रिया केंद्रित सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजिकरण सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, शिक्षण विधियों के चयन एवं प्रयोग में प्रयोजनवाद किन शिक्षण सिद्धांतों पर का मतलब पक्षधर है? तो दोस्तों चलिए देखते हैं कौन कौन से सिद्धांत का ये पक्षधर है। शिक्षण विधियों में सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत, सामूहिक क्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका स्पष्ट करनी है। अब देखिए, प्रयोजनवाद में शिक्षक की भूमिका क्या है? प्रयोजनवाद शिक्षक को नवीन आदर्शों, मूल्यों, सत्यों का निर्माण करने वाला, अद्यतन ज्ञान विज्ञान से विज्ञ, अनुभवशील, क्रियाशील और परिश्रमी होने पर बल देता है। उसका मानना है कि शिक्षा को सदैव प्रयोग करते रहना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने शिक्षण विधि एवं पाठ्यक्रम में सुधार करते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि प्रयोजनवाद के अनुसार विद्यालय क्या है? एक बात और है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, प्रयोजनवाद में शिक्षक को अपने छात्रों पर बलात् विचार, मत, आदर्श, मूल्य नहीं थोपना चाहिए, बल्कि एक पथ प्रदर्शक व सलाहकार के रूप में कार्य करना चाहिए। आप प्रयोजनवाद में दोस्तों इसके अनुसार विद्यालय क्या होता है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों सीधे हम आते हैं आंसर पर। प्रयोजनवादी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। उनका स्पष्ट मत है कि शिक्षा ही समाज को नया रूप देती है। तो देखिए, विद्यालय समाज का लघु रूप होता है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है, विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है, विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद की भूमिका को आपको स्पष्ट करना है। तो आधुनिक शिक्षा के स्वरूप निर्धारण में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, पहला दोस्तों क्या है, कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर बल देना, क्रियाविधि या करके सीखना को महत्वपूर्ण विधि के रूप में अपनाने पर बल देना। तीसरा, व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना। चौथा, योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक लक्ष्य पर पहुंचने के चार मार्ग कौन से हैं? हम लोग एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंचते हैं और ये चार वर्गों में दोस्तों कर्म का मार्ग हो सकता है, प्रेम का, ज्ञान का और धर्म का मार्ग। इनको चार को दोस्तों याद रखिएगा, कर्म का, प्रेम तो याद ही होगा आपको, ज्ञान का और धर्म का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा का क्या अर्थ होता है? देखिए, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है और उनके मत से दोस्तों शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में ठूस ठूस कर भरना मात्र है। सच्ची शिक्षा दोस्तों मानव के निर्माण की शिक्षा होती है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखिए, शिक्षा के उद्देश्य में दोस्तों देखते हैं, पहला शारीरिक विकास, फिर चारित्रिक विकास, व्यवसायिक उद्देश्य, विश्व बंधु की भावना का विकास। देखते हैं शारीरिक में देखिए क्या है, स्वामी जी का मानना है कि वर्तमान में ऐसे वरिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां दृढ़ एवं स्नायु फैलाव की तरह कठोर हो। चारित्रिक विकास में स्वामी जी मानते हैं कि चरित्र अमूल्य धरोहर है और इसके विकास से मनुष्य के संस्कार परिष्कृत होते हैं। व्यवसायिक उद्देश्य, शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति और आत्मनिर्भरता प्राप्त हो। विश्व बंधुत्व में क्या होगा, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ताकि विश्व के सभी लोग प्रेम स्नेह के बंधन में बन सके। अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी जी के विचार क्या थे? देखिए, उनका मत था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान है, उनके उत्थान के बिना देश व समाज का उत्थान कदापि संभव नहीं हो सकता। जन सामान्य की दशा में सुधार के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किया। टैगोर की रचनाएं कौन कौन सी है, देखिए, उस सवर दिन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा, हेर फेर, धर्म, शांति निकेतन,
शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? देखिए, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है, वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। टैगोर ने 207 विद्या या विमुक्ति का समर्थन भी किया। उनके अनुसार शिक्षा केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती, वरन वह आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दशा से भी मुक्ति देती है। टैगोर के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो देखिए, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बौद्धिक शक्ति का विकास, चरित्र का निर्माण करना, सार्वभौमिक नागरिकता का विकास, नैतिक व आध्यात्मिकता का विकास, व्यक्ति तथा समाज का संबंध स्थापित करना। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आज का। देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी शिक्षण विधियों पर बल दिया है? देखिए, पहला निरीक्षण द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, भ्रमण विधि, प्रकृति के अनुसरण द्वारा, वाद विवाद विधि। ठीक है, इन सब चीजों को याद रखते हुए चलिएगा गाइस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना के पीछे टैगोर का उद्देश्य क्या था? देखिए, विश्व कवि टैगोर की शिक्षा को अनोखी देन थी। विश्व भारती की स्थापना 6 मई 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती की स्थापना की, जिसका मकसद था प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाए। अगला क्वेश्चन है, गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? देखिए, गिज्जू भाई, ठीक है ना, शिक्षा को बाल केंद्रित रूप में मानते थे। यह एक शैक्षिक उपागम है जिसमें बालक की स्वयं रुचियां बाह्य अधिकारी की अपेक्षा पाठ्यक्रम व प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में एकमात्र सार्थक भूमिका निभाती है। बालक पुस्तकों एवं विशेष क्षेत्रों से एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के यथार्थ व मूर्त अनुभव की पुनर्रचना में संलग्न रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, गिज्जू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, पहला कि बालक का समुचित विकास और बालक की मानसिक एवं सृजनात्मकता की शक्तियों का विकास करना, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके कुशल नागरिक बनाना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा, गिज्जू भाई की रचनाओं के आपको नाम लिखना है। रचनाएं दोस्तों कौन सी है? दिवस अपना ऊंट के पैर सड़े, काली गौरैया, तड़ तड़ तड़ाक, बिल्ली के गले में घंटियां, ठीक ना, घंटियां, उसके बाद बुढ़िया के तेज बच्चे, फिर है भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण मेढक की शादी, चलते फिरते, शिक्षा गूंजे, शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। गिज्जू भाई ने किन शिक्षण विधियों के अनुसरण पर बल दिया है? देखिए दोस्तों, खेल विधि द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, कहानी एवं नाटकों द्वारा सीखना, इस पर उन्होंने बल दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बालकों की शिक्षा के संदर्भ में गिज्जू भाई के विचारों पर एक संक्षिप्त लेख आपको लिखना है। देखिए, गिज्जू भाई एक शिक्षाविद और शैक्षिक प्रयोगकर्ता, बाल शिक्षण संस्था के संस्थापक, शिक्षा एवं बाल शिक्षा के प्रणेता के रूप में यशस्वी लेखक व चिंतक भी थे। मतलब चिंतक ही नहीं थे अपितु वो 200 शिक्षण पत्रिका का संपादन करने वाले एक प्रमुख प्रख्यात पत्रकार भी थे। ध्यान में रखना दोस्तों, कौन था? शिक्षण पत्रिका को संपादन करने वाले दोस्तों गिज्जू भाई, नाम याद रखिएगा इनका। देखिए एक चीज और है यहाँ पर, गिज्जू भाई ने शिक्षा से संबंधित निम्नांकित 14 पुस्तकें लिखी थी। दिव्या स्वपन, मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति, प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा पद्धति, प्राथमिक विद्यालय में भाषा शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा, बाल शिक्षण जैसे मैंने समझा, ऐसे हो शिक्षक, शिक्षकों से चलते फिरते शिक्षा, कथा कहानी, माता पिता से माँ बाप, ठीक है ना, बनना कठिन है, माता पिता के प्रश्न, माता पिता की माथा पच्ची, ये सब चीजें हैं। तो ये सब दोस्तों इनकी किताबें किताबें थी। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप बनाकर उम्मीद करेंगे आगे लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या हमारा कि गांधी जी की शैक्षिक मतलब विचारधारा के मूल में क्या था, इसको जरा दोस्तों देखते हैं। देखिए, उनकी शैक्षिक विचारधारा के मूल में भारतीय संस्कृति थी। जैसा कि उनका मत था कि तत्कालीन वर्तमान शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को इससे इसने पूर्णतया मतलब बहिष्कृत कर दिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य मानसिक विकास करना है, इसका हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, इसको देखते हैं कि गांधी जी के द्वारा अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठम को समग्र रूप से बाहर निकालना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं? आत्मनिर्भरता शिक्षा का मुख्य परिणाम हो, इसे दृष्टिगत रखकर गांधी जी ने व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया है। उनका कहना था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की बीमा होनी चाहिए। फिर सामाजिक उद्देश्य क्या था, इसको देखते हैं। देखिए, प्रत्येक भारतीय के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए, इसलिए गांधी जी ने शिक्षा को मतलब संस्कृति से जोड़ने वाली कड़ी मानते थे। और उनका मत था कि मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ, संस्कृति नींव है, प्राथमिक वस्तु है। फिर दोस्तों बारी आती चारित्रिक विकास। देखिए, भी आपने देखा सामाजिक विकास, फिर चारित्रिक विकास। देखिए, गांधी जी का मानना था कि समस्त ज्ञान का परिणाम
चरित्र निर्माण ही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है इसको देखते हैं। गांधी जी ने कौन सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या है, देखिए गांधी जी के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को हस्तशिल्प, चर्म कार्य, गृह विज्ञान, संगीत, गणित, कताई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, ठीक है ना, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेल कूद का ज्ञान अवश्य करा जाए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए इसको देखते हैं। महात्मा गांधी जी तत्कालीन प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मानना था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक सक्रिय हो, निरीक्षण करे, प्रयोग करे, अनुसंधान या स्वाध्याय करे और अंत में दोस्तों उसे व्यवहार या आचरण में आत्मसात कर ले। शिक्षक को बच्चों पर पुस्तकीय बोझ डालना नहीं चाहिए। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, भ्रमण, स्थानीय उद्योग के माध्यम से पढ़ाना सर्वोचित है। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। उनका मत था कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार बालक के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? देखिए महात्मा गांधी जी प्रयोगवादी थे। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन का मूर्त प्रदान करने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी नए तालीम शिक्षा योजना को प्रस्तावित किया। इसके पीछे उनका तर्क था कि वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और उसे भारतीय संस्कृति को इसने पूर्ण बहिष्कृत कर दिया। इसका मन हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ ही इसके मतलब हाथ के कार्य का कोई स्थान यहाँ पर नहीं है। उन्होंने तालीम शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। ठीक है ना, जब तक शिक्षा इन तीन शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषता आपको बतानी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पॉइंट क्या हमारा। बच्चों को शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क रूप में दी जानी चाहिए। बच्चों को ही शिक्षा प्रणाली का मूल केंद्र बिंदु समझा जाए। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए। पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो। बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है? चलो प्लेटो के अनुसार शिक्षा को देखते हैं। देखिए शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के आरंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है जिससे आपको घृणा करनी चाहिए और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यह मतलब यही सच्ची शिक्षा है। अगला क्वेश्चन प्लेटो के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में दोस्तों खेलकूद होना चाहिए। व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास तथा विज्ञान को स्थान प्रदान किया गया है। रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है इसको देखते हैं। तो देखिए रूसो ने क्या लिखा, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है और यह उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति भी है। अगला क्वेश्चन रूसो की निषेधात्मक शिक्षा क्या है इसको देखते हैं। तो निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूं जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के साधन है जो पूर्ण बनाने के लिए प्रवृत्ति होती है और जो इंद्रियों को उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करती है। अगला क्वेश्चन रूसो के अनुसार 1 से 5 वर्ष की शिक्षा क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, देखिए यह मानव जीवन की प्रथम अवस्था है जिसे सहसा अवस्था कहा जाता है। रूसो ने इस अवस्था में दी जाने वाली प्रचलित शिक्षा का विरोध किया है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों के बौद्धिक ठीक है बौद्धिक एवं नैतिक विकास पर भी थोड़ा ध्यान हमें देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूसो ने शिक्षण विधि के किन किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? चलिए दोस्तों इनके सिद्धांत सीधे देखते हैं। पहले करके सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना और प्रयोग द्वारा सीखना। अगला क्वेश्चन रूसो के अनुशासन के विषय में क्या धारणा है इसको देखते हैं। रूसो बालक की स्वतंत्रता के समर्थक है और उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं चाहता है। उसे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में भी विश्वास है। इस प्रकार रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्राकृतिक परिणामों का द्वारा मतलब अनुशासन का सिद्धांत। आप दोस्तों ये 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, डीवी के शैक्षिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है। डीवी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित नहीं मानते। उनका मानना है कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित कोई भी उद्देश्य देश काल एवं परिस्थितियों में सभी बालकों के लिए मतलब उचित व उपयोगी नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखेंगे कुछ पॉइंट्स, इसको जरा आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पहले बालक का सर्वांगीण विकास, बालक को महत्ता देना, गत्यात्मक निर्देशन, बालक का सामाजिक विकास। अगर आपको हेडिंग याद है तो आप इसके अंदर कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है?
शिक्षा का उद्देश्य न तो बच्चे के मस्तिष्क को शब्दों का भंडार बनाना है, न ही मानव जीवन का एकांगीपन प्राप्त कराना है। फ्राबेल के अनुसार शिक्षा द्वारा बालक को इस बात का ज्ञान कराना है कि विभिन्न पदार्थों में एक चिरंतर एकता निवास करती है और सब सजीव और निर्जीव पदार्थ दैवीय उद्देश्य को पूर्ण करने और आत्मज्ञान तथा श्रेष्ठतम पूर्णता प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है ना, फ्राबेल ने मतलब इस बात पर भी बल दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी परिस्थितियों में ले जाना है जिसमें वह अपने अंतर को अधिक से अधिक मतलब प्रदर्शित कर सके, ठीक है, ये सब चीजें, और स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं की अभिव्यक्ति भी कर सके। अगला क्वेश्चन, किंडर गार्डन से क्या तात्पर्य? ये दो से ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। देखिए, फ्राबेल ने अपनी शिक्षा संस्था में किंडर गार्डन के नाम से पुकारता है। किंडर गार्डन जर्मन भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, किंडर अर्थात बालक और जॉर्टन का दोस्त मतलब होता है उद्यान। इस प्रकार फ्राबेल ने पौधों की तुलना बालक से और शिक्षक शिक्षक की मतलब तुलना माली से की है तथा विद्यालय की तुलना उद्यान से भी की गई है। जिस प्रकार माली उद्यान के पौधों के देखभाल करके उसकी स्वाभाविक वृद्धि में सहायता देता है, उसी प्रकार शिक्षक भी विद्यालय में उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके बालक के स्वाभाविक विकास में सहयोग देता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बालक, ठीक है, एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होता है। विकास के इन दोनों मतलब स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना है ना ही दबाना चाहिए, परंतु उस समय के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रमानुसार प्रकटीकरण हो। यह कथन किसका दोस्त? यह है आपका मारिया मांटेसरी। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा, कथन को भी और इसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि समाज को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ आपको लिखना है। देखिए, मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण किया है। इस संगठन के अंतर्गत हमारे कुछ कर्तव्य है तो कुछ अधिकार भी। इस संगठन के अंतर्गत हमें एक निश्चित प्रकार से रहना और व्यवहार करना पड़ता है तथा उनमें परस्पर कुछ संबंध होते हैं। मनुष्यों के जिस संगठन में ये संबंध पाए जाते हैं उसी को हम समाज कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर गिंड समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का पुंज है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधित होते हैं। अब समाज की विशेषताओं का उल्लेख करना है। देखिए, समाज एक अमूर्त संस्था है। समाज के सदस्यों पर परस्पर निर्भरता विद्यमान होती है। समाज के व्यक्तियों के संबंध में केवल सकारात्मक नहीं होते हैं, समाज के व्यक्तियों पर परस्पर संचेतना होती है और समाज पारस्परिक संबंधों का पुंज है। समाज में समानता और असमानता दोनों विद्यमान होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एवं समाज के अंतर संबंध को आपको स्पष्ट करना है। विद्यालय समाज की एक ही इकाई है, दोनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए परस्पर सहयोग नितांत आवश्यक है। देखिए, व्यक्ति के विकास के लिए समाज की सभी इकाइयों में परस्पर सहयोग आवश्यक है, अतः विद्यालय एवं समाज परस्पर अंतर संबंध होता है। इनके परस्पर सहयोग से उत्पन्न वातावरण मानव के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है तथा लाभप्रद भी होता है। संक्षेप में, शिक्षा तथा समाज का संबंध जो संबंध होता है वो अटूट होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों का निवारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, अगर ऐसे क्वेश्चन भी आप नहीं लिख पाएंगे बनाकर पेपर में तो फिर बड़ी दिक्कत होगी आप लोगों को। तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों आप बना के लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें पूरे 2 नंबर तक मिल सकते हैं। तो इसका आंसर देखते हम लोग, शिक्षा के द्वारा प्रत्येक बालक को उसके कर्तव्यों तथा अधिकारों का उचित ज्ञान देते हुए उसे जनतांत्रिक जीवन के लिए तैयार किया जा सकता है। यही नहीं, शिक्षा के विभिन्न भेदभावों को दूर करके प्रजातंत्र के लक्ष्य को प्राप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, बाकी आप लिख लीजिएगा बनाकर। परिवार को बच्चों की प्रथम पाठशाला माना जाता है क्यों? देखिए, परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला तथा माँ की उसकी प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। नवजात शिशु अपने जीवन की यात्रा परिवार से प्रारंभ करता है तथा इसी संस्था में रहते हुए उसे विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे जैसे बालक की आयु में वृद्धि होती है वैसे वैसे परिवार द्वारा उसमें उन सभी मानवीय गुणों का भी विकास होता जाता है जिनकी आवश्यकता उसे आगे चलकर एक सुयोग्य एवं सच्चरित्र नागरिक के रूप में पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालय के औपचारिक कार्य आपको बताना है। देखिए, सर्वप्रथम कार्य बालकों का मानसिक विकास करना है, तत्पश्चात संस्कृति का संरक्षण और अगली पीढ़ी को हस्तांतरण, सामाजिक भावना का विकास, चरित्र निर्माण, नेतृत्व के गुण प्रदान करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के अनौपचारिक कार्य आपको लिखना है। विद्यालय के अनौपचारिक कार्यों की सूची निश्चित नहीं होती है। इसके अंतर्गत शारीरिक विकास, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, समाज सेवा कार्य, रचनात्मक शक्ति का विकास आदि वे सभी कार्य आते हैं जो बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, जनसंचार के साधन से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखते हम लोग। देखिए, सामान्यतः जनसंचार के साधन से अभिप्राय ऐसे अभिकरण से होता है जिसके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार के साधन या माध्यम है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि। अगला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एवं परिभाषा आपको बतानी। देखिए,
साधारण अर्थों में सामाजिक परिवर्तन से आते हैं सामाजिक जीवन शैली और समाज की संरचना में होने वाले बदलाव से है, लेकिन विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन के अर्थ को अलग अलग संदर्भों से संबंधित किया है। ठीक है, किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन से आते मुख्यतः उन संशोधनों से है जो सामाजिक संरचना या ढांचे में हुआ करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, पहला कारक है सांस्कृतिक जड़ता, नवीनता का भय, निहित स्वार्थ और पृथकता की मात्रा। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण को परिभाषित आपको करना है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का व्यापक अर्थ एवं संदर्भ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि शिक्षा की किसी निश्चित स्तर पर तक की, मतलब सभी लोगों के लिए, मतलब अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्धता सुनिश्चित कराना। शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य आपको बताने हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम इसके उद्देश्य देखते हैं। पहला, ज्ञानार्जन हो गया, बौद्धिक एवं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास, सांस्कृतिक विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, जीविकोपार्जन, विवेकपूर्ण निर्णयन क्षमता का विकास, ये सब चीजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं, इसको देखते हैं। देखिए, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शैक्षिक समानता का वास्तविक अर्थ है कि सभी विद्यार्थियों को ऐसे शैक्षिक अनुभव मिलना जो कुछ सामान्य लक्ष्यों व विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करते हो। अर्थात शैक्षिक समानता विद्यालय अध्ययन के लाभों का समान न्याय संगत वितरण है। यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि समानता से तात्पर्य सभी के लिए एक समान शिक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्येक बालक की शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा को प्रासंगिक बनाना होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, इसको देखते हैं। शैक्षिक अवसरों की असमानता के कारण आपको लिखना है। अब देखते हैं, ठीक है, अंतर्निहित योग्यता या श्रेष्ठता किसी विशिष्ट नस्ल, जाति, धर्म, ठीक है, का अर्थ क्या है क्या नहीं है। हम विभिन्न वर्गों के लिए लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में समानता स्थापित करके अधिक अच्छे पुरस्कार की प्राप्ति के लिए समाज के लोगों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की सुदृढ़ नींव रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए इसके सीधे हम देखते हैं कौन कौन से इसके कारण है। पहला दोस्तों, आपका निर्धनता, गरीबी आ सकता है, शैक्षिक गुणवत्ता के स्तरीकृत प्रावधान, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, शिक्षा संस्थाओं की अनुपलब्धता, शारीरिक दोष। अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इसको देखते हैं कि बाल श्रम का आपको अर्थ बताना है। देखिए, बाल श्रमिक वह बालक है जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया और किसी दूसरे व्यक्ति के पास मजदूरी लेकर या बिना मजदूरी के कार्य कर रहा है। बाल श्रमिक की समस्या बताना दोस्तों, सीधे समस्या हम देखते हैं। स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा समस्या, आर्थिक समस्या, भावनात्मक व मानसिक शोषण, स्व की कमी, अपराधी व्यवहार, व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक विघटन। बाल श्रम निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक है। संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए दोस्तों, सरकार की इसी कड़ी में एक बड़ी पहल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को, मतलब कार्य रूप प्रदान किए जाने के से संबंधित है। इस अधिनियम के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत में, मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। लेकिन बाल श्रमिक बच्चे इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। बाल श्रम अनेक रूपों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा में बाधक होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि वर्तमान में जनसंख्या शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसको जरा देखते हैं। देखिए, वर्तमान समय में जनसंख्या शिक्षा का विरोध न केवल हमारे लिए आत्मघाती है, वरन इससे हमारे देश की सभी प्रकार की प्रगति आशायाद छीण होती है। भारत के सभी शुभचिंतक यह अनुभव करते हैं कि जनता को जनसंख्या संबंधी कुछ शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी ने संतति के जन्म से मर्यादित करने के लिए ब्रह्मचर्य या आत्मसंयम को एकमात्र उपाय के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, बाकी अब इसको लिख सकते हैं बनाकर। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसको, जनसंख्या शिक्षा की समस्या है आपको लिखनी है। ठीक है, सीधे दोस्तों हेडिंग बता रहे हैं, आप उसको बढ़िया बनाकर लिख सकते हैं। पहला हेडिंग है जनसंख्या शिक्षा के प्रत्यय से मतलब संबंधित भ्रांतियां, छोटे परिवार के बारे में उपयुक्त अभिवृत्तियों की कमी, अध्यापकों की कमी होती है, जनसंख्या शिक्षा की पाठ्य वस्तु, जनसंख्या शिक्षा संबंधी शोध कार्यों की कमी। अगला क्वेश्चन है जातिवाद के दुष्परिणाम आपको बताने हैं। जबकि जातिवाद प्रजातंत्र के लिए घातक है, राष्ट्रीयता के विकास में बाधा देती है, नैतिक पतन, भाई भतीजावाद को प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए आपके सामाजिक एकता में बाधक, देश की सर्वांगीण प्रगति में बाधक, सामाजिक तनाव। अगला क्वेश्चन है जातिवाद को समाप्त करने के सुझाव आपको देने। ठीक है गाइस, तो सुझाव तो आप लोग बढ़िया दे सकते हैं। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए, ऐसी स्थिति में जातिवाद की मानसिकता से निकलकर सामाजिक सौहार्द के वातावरण में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब दोस्तों चलिए कुछ कारण देते हैं। देखिए, समाप्त करने के सुझाव क्या है, देखिए पहले आपको जाति विरोधी शिक्षा देनी चाहिए,
अंतर विवाह के साथ साथ अंतर जातीय विवाह का समर्थन करना चाहिए, जाति बोधक नामों का बहिष्करण करना चाहिए, जातीय श्रेणीबद्धता को समाप्त करना चाहिए, जातीय संगठनों को हतोत्साहित करना चाहिए, नए प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता, राजनीतिक जातिवाद पर रोक होनी चाहिए, प्रभावशाली व्यवहारिक कानून होना चाहिए, मानवतावादी दर्शन का प्रचार व प्रसार, जातिविहीन जनमत का निर्माण एवं राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये सब चीज़ें करेंगे तो कुछ फायदा होगा हमारा। उसके बाद देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन आता है कि अलगाववाद, जी हाँ दोस्तों, को परिभाषित कीजिए। आप इसको बहुत सुना होगा, भारत एक संप्रभुता संपन्न देश है जहाँ विभिन्न प्रकार की जातीय भाषा भाषी परंपराएं अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। ऐसी स्थिति में हमारा लगाव राष्ट्र के प्रति उसके संपूर्ण अस्तित्व के लिए व इसके रक्षार्थ के लिए होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। बस यही दोस्तों अलगाववाद का संप्रत्यय है। अलगाववाद के प्रभाव अथवा दुष्परिणाम कौन कौन से, इसको जरा देखते हैं। पहला दोस्तों इसका आता है कि संकीर्ण नेतृत्व का विकास होता है, राष्ट्रीयता के विकास में बाधा है, सामाजिक न्याय के लिए चुनौती, क्षेत्रीय तनाव, प्रगति में बाधा होता है, नवीन प्रदेशों राज्यों देशों का संगठन, जान माल की असुरक्षा खतरा, मानवतावाद का ह्रास इत्यादि। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होती है। उसके बाद आपने इसको बहुत सुना होगा, सांप्रदायिकता, जी हाँ दोस्तों, बहुत आए दिन आप सुनते रहते होंगे न्यूज़ चैनल पर, उन्मूलन के उपाय आपको बताना है। देखिए सांप्रदायिकता संगठनों पर प्रतिबंध होना चाहिए, उचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सांप्रदायिकता राजनीतिक दलों का उन्मूलन, मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार, राष्ट्रवादी एवं एकतावादी साहित्य का प्रचार प्रसार, नैतिक शिक्षा का प्रसार, शांति सेना का निर्माण, धार्मिक सहिष्णुता, सर्वधर्म संभव। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि जातिवाद, ठीक है ना, एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है। इस कथन को आपको सिद्ध करना है। भारत में जातियां एवं उपजातियां इतनी है कि उनकी गिनती पर मतलब गिनती कर पाना भी असंभव है। इन जातियों में परस्पर ऊंच नीच तथा छोटे बड़े की भावना भी होती है, जिसके कारण दोस्तों यह एक दूसरे से मिलना जुलना या व्यवहार का आदान प्रदान करना उचित नहीं समझते हैं और यही भावना उपद्रव को जन्म देती है। एकता का विकास दोस्तों तभी हो सकता है आपका, जब राष्ट्र के सभी निवासी अपने को एक दूसरे के समान समझे, उनमें ऊंच नीच की भावना ना हो। एक जाति के मनुष्य अपनी ही जाति के सदस्यों की उन्नति की कामना करते हैं, वे केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जातिवाद। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अगर सही तरीके से बंद होती है ना तो फिर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने, इसको आप बना कर लिखिएगा पेपर में, बढ़िया तो अच्छे नंबर मिलेंगे। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कैसे उत्पन्न की जा सकती है, आपको ये बताना है। आज पर्यावरण प्रदूषण विश्व के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रत्येक आयु के सभी पुरुष महिला वर्ग में पर्यावरण प्रति सकारात्मक सोच का होना बहुत ही जरूरी है। छात्र छात्राओं, किशोर किशोरियों, पर्यावरण के प्रति रुचि विकसित करना समय की आवश्यकता है। छात्र छात्राओं के कार्य करने पर प्रबल भावनात्मक संवेग तथा असीम शक्ति होती है। ठीक है, सब चीजें लिख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षा देते समय शिक्षक को किन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला दोस्तों जनसंख्या विस्फोट हो गया, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, तीसरा दोस्तों तकनीकी प्रगति के साथ साथ दिनों दिन बढ़ता हुआ प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण जागरूकता हेतु शिक्षा में किन तथ्यों की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा पहला पॉइंट क्या है कि पर्यावरण का अर्थ आवश्यकता तथा पर्यावरण नीति, मानव एवं पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण। ठीक है, इसके लिए दोस्तों अगर आप लोग जागरूकता फैलाएंगे ना तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। पर्यावरण एवं जनसंख्या, प्राकृतिक पर्यावरण, झीलें पहाड़ियां तथा पीने योग्य जल, मानव सभ्यता पर प्रदूषण का प्रभाव, सामाजिक पर्यावरण आदि, ये सब चीजें दोस्तों करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, वह कौन कौन से स्रोत हैं जिनमें हमें उपयोग हेतु जल की प्राप्ति होती है। देखिए दोस्तों पहले नदियों से प्राप्त जल, सागरीय भाग से प्राप्त जल, झीलों एवं तालाबों से प्राप्त जल हो गया, कुओं से प्राप्त जल हो गया, हैंडपंप व पंप सेट से प्राप्त जल। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य आपको बताना है। पहला दोस्तों देखिए, जल की निरंतर मांग को पूरा करना, नालियों को रोकने वाले सतही जल प्रवाह को कम करना, सड़कों पर जल फैलाव को रोकना, भूमिगत जल में वृद्धि करना तथा जल स्तर को ऊंचा उठाना, भौम जल प्रदूषण को रोकना, भौम जल की गुणवत्ता को सुधार, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट मृदा अपरदन को कम करना। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता, अपने अपने आप को विचार लिखना है। ठीक है, इसके आप अपने विचार लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा भी गया है। भूमि की भांति जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है, कुछ जल भूमि सोख लेती है जिसे भूमिगत जल या अधोभौमिक जल कहते हैं।
तथा शेष जल ढालू सतह से बहना आरंभ कर देता है, जिसे बहता हुआ जल या नदी या सरिता कहते हैं। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है, खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि राष्ट्रीय जल नीति 2002 क्या है। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति 2002 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति में जल संरक्षण के परंपरागत तरीकों और मांग के प्रबंधन को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही साथ इसमें पर्याप्त संस्थागत प्रबंधन के द्वारा जल के पर्यावरण पक्ष और उसकी मात्रा एवं गुणवत्ता के पहलुओं का भी समन्वय किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में नदी जल एवं नई भूमि संबंधी अतिरिक्त विवादों को निपटाने के लिए नदी बेसिन संगठन ठीक है गठित करने पर भी बल दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं। देखिए, परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत लकड़ी ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित किए जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कौन है, इसको जरा याद रखिएगा, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या आशय है, आपको ये बताना। देखिए, सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप में क्रमशः होने वाली वृद्धि से होता है। सामान्य रूप से पृथ्वी का तापमान लगभग स्थिर रहता है। यह स्थिति सूर्य से आने वाले ऊष्मीय विकिरण तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाली ऊष्मा के मध्य संतुलन से बनती है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भूमंडलीय ताप वृद्धि का क्या मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है कि पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तापमान वृद्धि की वर्तमान दर के अनुसार मतलब 2100 तक विश्व का तापमान विनाशक स्थिति तक बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि आगामी कुछ दशकों में हमें तापमान वृद्धि तथा ओजोन परत क्षरण दोनों भयावह समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या, इसको देखते हैं कि भूमंडलीकरण के उद्देश्य आपको बताना है। देखिए, पहला आपका आर्थिक समानता, विकास के लिए नवीन साझेदारी, गरीब उन्मूलन, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण की ठीक है सीमितता, संतुलित विकास, विश्व बंधुत्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या आशय है, इस पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, तापमान वृद्धि हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया, अम्लीय वर्षा का खतरा हो गया, धूम्र कोहरे का बनना, तो इस पर दोस्तों डिस्कस करते हैं हम लोग थोड़ा थोड़ा। और ये क्वेश्चन देखिए आप 2019 में पूछा भी गया है। देखिए, उन प्रश्नों को जरूर ध्यान दिया करिए दोस्तों जो पेपर में आपके आ चुके हैं, तो उससे आपको समझ में कुछ ये चीजें आएंगी कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के आखिर बनते हैं। तो देखते हैं, तापमान वृद्धि, ओजोन के क्षय के कारण सौरिक विकिरण पराबैंगनी विकिरणों का परिणामतः अवशोषण नहीं होगा, फलतः दोस्तों यह किरणें भूतल पर पहुंचकर तापमान में बढ़ोतरी करेंगी, जिससे प्रादेशिक व विश्व स्तर पर जलवायु में व्यापक परिवर्तन हो जाएगा। बर्फ का पिघलना, देखिए ध्रुवीय व पर्वतीय हिम चादरें भूतल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण पिघलने लगती है। जब पिघलता जल समुद्र में जब पहुंचेगा तो दोस्तों इससे सागर का जल स्तर ऊंचा होगा, परिणामतः सागर तटीय नगर व स्थल भाग जलमग्न हो जाएंगे। अगला दोस्तों था अम्लीय वर्षा का खतरा, ओजोन के क्षय के कारण परिवर्तन मंडल में हाइड्रोजन परॉक्साइड का संचालन अधिक होगा, परिणामतः अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ जाएगा। धूम्र कोहरे का बनना, भविष्य में ओजोन क्षरण के कारण पराबैंगनी किरणें 5% से 20% तक वृद्धि होने का अंदाजा है। इस प्रकार पराबैंगनी किरणों में वृद्धि व ओजोन क्षय के कारण प्रकाश रासायनिक क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में धूम्र कोहरे का निर्माण होगा, जिससे जलवायु भी प्रभावित होगी। अब बारी आती है पेड़ पौधों पर विपरीत प्रभाव, भूतल पर ओजोन क्षरण से तापमान वृद्धि से स्थलीय व जलीय पौधे वनस्पतियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, पौधों की उत्पादकता में कमी आएगी, पौधे झुलस कर सूख जाएंगे, टमाटर, मटर, चुकंदर, आलू, सोयाबीन, सरसों आदि कुप्रभावित होंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें हैं। और फसलों उत्पादन, जो फसल का उत्पादन वो कम हो जाएगा, मिट्टी की नमी में कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण आपको लिखना है, तो ऐसे क्वेश्चन तो उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से बनाकर लिख सकते हैं। देखते हैं, स्त्री आज भी मतलब अनेक रूपों में हिंसा का शिकार है, यह मुख्यतः दो रूपों में देखी जा सकती है, प्रथम घरेलू हिंसा तथा द्वितीय घर के बाहर की हिंसा। घर में पति तथा उसके परिवार वालों द्वारा उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, और घर के बाहर स्त्री के प्रति हिंसा में हिरासत में हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि मामले प्रमुख हैं। कठोर दंडात्मक व्यवस्था के अभाव के कारण अपराधी बचकर निकल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में जनसंचार की भूमिका का आपको वर्णन करना है। देखिए, भारत महान जन संवादियों का देश रहा है,
विविधताओं वाले इस देश में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीच संदेश पहुंचाना एक समस्या रही है। जब टेलीविजन अथवा इंटरनेट जैसे संचार के आधुनिक माध्यम उपलब्ध नहीं थे तो लोग पारस्परिक संवाद के द्वारा ही सूचनाएं प्राप्त करते थे। इन स्रोतों में धार्मिक उपदेशक, मानव संवादवाहक, व्यापारी, यात्री तथा दूसरे पारंपरिक माध्यम से प्रमुख थे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जन संचार साधनों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको देखते हैं। देखिए, किसी भी समाज पर जन संचार के साधनों जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म या सिनेमा, रिकॉर्ड और वीडियो पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जन संचार के ये साधन, विशेष रूप से फिल्में, रेडियो, टीवी एक साथ राष्ट्रव्यापी श्रोताओं को संदेश पहुंचाते हैं। ठीक है, इन साधनों ने सभी सीमाओं को समाप्त कर दिया, जैसे भारतीय नेशनल नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक जैसे रामायण हो गया, महाभारत आदि का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वास्तव में दोस्तों भारतीय समाज पर जन संचार माध्यम मोह का मतलब वर्तमान में सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों रूपों से प्रभाव पड़ता है, परंतु इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जनसंचार माध्यम सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम भी है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि मूल्य पर शिक्षा की आवश्यकता पर आपको प्रभाव डालना है। भारत जैसा देश अपनी कला, संस्कृति, दर्शन आदि गौरवशाली परंपराओं पर सदा से ही गौरवान्वित होता रहा है, किंतु समसामयिक युग में अनास्था एवं पारस्परिक अविश्वास के कारण वातावरण में हमारी प्राचीन परंपरा एवं मूल्य कुछ धूमिल से हो गए। तथाकथित आधुनिकता की भ्रामक अवधारणा, अस्तित्ववादी जीवन, अनात्मक परक नासिकता, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, तर्क प्रधान चिंतन आदि से समेकित प्रभाव से हमारे पुरातन मूल्यों प्रदूषित हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विद्यालय स्तर पर मूल्य परक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो पहला उद्देश्य देखते हैं कि छात्रों को एक उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित करना। दूसरा एक राष्ट्रीय लक्ष्यों, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता एवं सर्वधर्म संभाव, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का सही अर्थों में बोध कराना। तीसरा दोस्तों कि देश की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों के संबंध में उन्हें जागरूक बनाना। अगला दोस्तों छात्रों में सहयोग, प्रेम, करुणा, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, न्याय, बंधुत्व, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि मौलिक गुणों का विकास करना। ठीक है, आप ऐसे बना के लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मूल्य परक शिक्षा के सिद्धांतों का आपको उल्लेख करना है। पहला सिद्धांत है कि मूल्य परक शिक्षा समाज को, ठीक है, समाज की मतलब सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में क्रियान्वित किया जाना चाहिए। मूल्य परक शिक्षा धार्मिक शिक्षा से भिन्न है, अतः इसे धर्म विशेष पर बल नहीं दिया जाना चाहिए। मूल्य परक शिक्षा के कार्यक्रम की सफलता घर, विद्यालय के आदर्श वातावरण तथा शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। इसे स्वतंत्र विषय के रूप में पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न विषयों के लिए इसके लिए मूल्यों को समाहित किया जाए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का आपको महत्व बताना है। देखिए, पहला महत्व क्या है कि संपूर्ण विश्व की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय सद्भाव की आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्रों के निवासियों में मानवीय मूल्यों तथा सद्गुणों के उद्भव के लिए आवश्यक होता है। ये सभी देशों के आर्थिक व वैज्ञानिक विकास के लिए आवश्यक है। पिछड़े राष्ट्रों को इससे विकास का अवसर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से के मतलब विकास में शिक्षा का योगदान आपको बताना है। तो देखिए, लोकतंत्र की सफलता का आधार शिक्षा है। यदि देश की अधिकांश जनता अशिक्षित या निरक्षर है तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्यों में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रसार की ओर ध्यान दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि शिक्षित नागरिक ही शासन व राजनीति के उत्तरदायित्व का वहन निष्ठापूर्वक करने में सक्षम हो सकता है। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए, फिर उसके बाद बनाकर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के विभिन्न कार्य क्या है। देखिए, अब ये सब क्वेश्चन आपके डीएलएड 2016 में आ चुका है, तो मतलब अब ये सब प्रश्न पेपर में कैसे आते हैं आप उसको हम देखेंगे। तो राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के दोस्तों आपके निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला देखिए, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक एकता, सामाजिक कुशलता में वृद्धि, नैतिकता का प्रशिक्षण, नेतृत्व की तैयारी, कुशल व्यक्ति मतलब तैयार करना, सार्वजनिक हित को प्राथमिकता, सामाजिक सुधार व उन्नति करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। ठीक है ना, पहला दोस्तों देखिए, शिक्षा को प्रथम बार इतना महत्व दिया गया, एक राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रव्यापी पाठ्यक्रम की रचना, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल, केंद्र सरकार की भागीदारी, दक्षता एवं प्रभावकारिता को प्रोत्साहन, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा में मतलब सुधार तथा महाविद्यालयों की स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका व शिक्षण विधियों पर आपको प्रकाश डालना है। तो दोस्तों पहला पॉइंट क्या रहा हमारा कि प्रकृतिवादी विद्यालय में शिक्षा का स्थान गौण है। प्रकृतिवादियों का विचार है, बालक को अपनी आंखों से देखना चाहिए, शिक्षक की आंखों से नहीं।
दूसरा, प्रकृतिवादी दर्शन के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का कार्य बालक के स्वाभाविक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना है, अतएव उसका कार्य एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, प्रकृतिवादी शिक्षक की आवश्यकता। प्राकृतिक वातावरण का आयोजन करने के लिए बताते हैं, शिक्षक उन परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। इस नियम के संदर्भ में रूसो का यह कथन उल्लेखनीय है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो भी कथन आपको दिखे ना उसको याद कर लिया करिए। तुम्हें बालक को सत्य की शिक्षा नहीं देनी है, वरन उसे इस योग्य बनाना है कि बालक स्वयं सत्य की खोज कर सके। जी हाँ दोस्तों, पॉइंट कितना अच्छा है कि आपको ऐसा नहीं पढ़ाना है कि भाई वो सत्य की शिक्षा आपको नहीं देना है, मतलब आप उस बच्चे को इतना योग्य बना दीजिए कि वो सही और गलत का फर्क समझ सके। ठीक है, तो उपरोक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवादी शिक्षक से केवल इतना ही आशा करते हैं कि वह बालकों के स्वाभाविक विकास में सहायता करे। अब चलिए दोस्तों कुछ और इसकी विधियां देखते हैं, प्रकृतिवादी शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है। पहला दोस्तों आता है आपका करके सीखना। जी हाँ दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग। प्रकृतिवादी करके सीखने पर अधिक बल देते हैं। उनका मानना है कि इस प्रकार सीखने से बालक रुचि का अनुभव करते हैं। स्वानुभव द्वारा सीखना। देखिए, रूसो के अनुसार बालकों को अनुभव करके सीखना चाहिए। इस सिद्धांत के आधार पर स्वयं ज्ञान पद्धति का आविष्कार हुआ है। रूसो का कहना है कि छात्र को कोई शाब्दिक शिक्षा न दो, सिर्फ उसे अनुभव से सीखने दो। अगला दोस्तों, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार बालकों को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य द्वारा सीखने की अपेक्षा विद्यालय को इस प्रकार के स्वतंत्र प्राकृतिक समाज के रूप में संगठित कर सिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक सिद्धांतों का आपको उल्लेख करना है। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो चलिए सीधे सिद्धांत देखते हैं। पहला क्या है, 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। बालकों की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा का उद्देश्य बालक में मानवीय गुणों का विकास करना होना चाहिए। शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का विकास है। बालक की शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी से प्रारंभ की जानी चाहिए। ठीक है, बाकी आप बना के लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है बनाकर क्या दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों इतना सफिशियंट होता है, 7 से 8 पॉइंट आप लिख दे पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, स्पष्ट आपको करना है। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानने में प्रगतिशील विचारकों का महत्वपूर्ण स्थान है। जॉन डिवी ने विद्यालय को एक सामाजिक संस्था के रूप में स्वीकार करते हुए यह कहा है कि जिस प्रकार शरीर को कायम रखने हेतु भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए दोस्तों शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में विद्यालय की आवश्यकता होती है। देखिए, आगे देखते हैं सीधे। डीवी का कथन है कि विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, और इस नाते विद्यालय समानता सामुदायिक जीवन का यह स्वरूप है जिसमें वे समस्त साधन केंद्रित होते हैं जो बालक को प्रजाति और पैतृक संपत्ति में अपना भाग प्राप्त करने तथा उसे अपनी शक्तियों को सामाजिक हितों के लिए उपयोग में लाने हेतु तैयार करते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, इसको देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा की भूमिका क्या है, ये आपको बताना है। अब देखेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। देखिए, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करती है। सामाजिक परिवर्तन पहले भौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन के रूप में होता है, फिर उसका रूप अभौतिक सांस्कृतिक परिवर्तन का हो जाता है। शिक्षा का यह कार्य भी मतलब यह भी है कि वह वर्तमान में उन परिवर्तनों को लाने का प्रयास करे जो समाज में नवजीवन का संचार कर दे और इस प्रकार समाज प्रगति की ओर बढ़ने लगे। ठीक है, एक क्या और याद रखिए कि समाज सदैव सक्रिय रहता है और इसी कारण उसमें सदैव परिवर्तन आता रहता है। तो लास्ट में दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, अब देखा जाए दोस्तों कि बाल श्रम के प्रमुख कारण एवं इसके निवारण के मतलब आपको इसके लिए उपाय बताने कि कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। देखिए, बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक दर तथा प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों डीएलएड में देखिए 2 बार पूछा गया है। जैसे दोस्तों साइकिल तथा स्कूटर रिपेयर करने की दुकानों पर अधिकतर बालक कार्य करते हैं। चाय तथा रेस्टोरेंट में बालक चाय देते हुए दिखाई देते हैं। कारखानों में बालक कार्य करते हैं। इसी प्रकार अन्य दुकानों तथा घरों पर बालक कार्य करते हैं, जबकि उनकी विद्यालय जाने की उम्र होती है। घरों में बालिकाएं सफाई बर्तन इत्यादि का कार्य करती हैं। इन सब का प्रमुख कारण है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्कूल जा सकें। जी हाँ दोस्तों, सीधे तौर पर हम गरीबी कह सकते हैं। तो देखिए, इसी कारण सरकार ने तथा संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि वे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी आधार पर निःशुल्क तथा
अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए। ठीक है, बाकी आप लिख लीजिएगा बनाकर। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट करना है। ठीक है, देखिए, बचपन छीनता बाल श्रम निःशुल्क व अनिवार्य। देखिए गाइस, कि बाल्यावस्था है जीवन का आधार, शिक्षा व देख रेख है उसका अधिकार। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही लालिमा छाने लगती है एवं अभ्यास से हो जाता है कि दिन कैसा निकलेगा, उसी प्रकार शिशु यह दिशा दिखाता है कि वह कैसा नागरिक बनेगा। अच्छा या बुरा नागरिक बनना बालक के प्रथम 5 से लेकर 6 वर्षों पर निर्भर करता है। प्रथम 5 से लेकर 6 वर्ष उसके जीवन का अत्यधिक संवेदनशील व महत्वपूर्ण समय होता है, जिनके आधार पर उसका संपूर्ण जीवन निर्भर करता है, क्योंकि मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक आदि सभी विकास इसी उम्र में तेजी से होते हैं, जिनमें बालक की रचना में गहरे अपरिवर्तनशील प्रभावी मतलब प्रभाव तेजी से पड़ते हैं। बालक बचपन में गीली मिट्टी के तुल्य होता है, माता पिता शिक्षक उसे जिस रूप में ढालना चाहे वह उसी रूप में ढल जाता है। लेकिन दोस्तों, किंतु दुख की बात यह है कि उपयुक्त अवसर सभी बालकों को प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, ये सब लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेडियो धर्मी प्रदूषण किसे कहते हैं तथा इसके क्या हानियां, ये आपको बताना है। देखिए, 20वीं शताब्दी में आविष्कृत परमाणु ऊर्जा, ठीक है ना, परमाणु ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति का साधन है। परमाणु संयंत्रों से होने वाला प्रदूषण भी उतना ही अधिक भयावह एवं हानिकारक है। इन संयंत्रों से जल, थल और वायु का दीर्घकालिक प्रदूषण होता है। परमाणु ऊर्जा अन्य सभी स्रोतों की अपेक्षा सस्ती है, अतः विश्व के अनेक देशों में इसका विकास किया है। परमाणु विद्युत ग्रहों से निकलने वाले यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, स्ट्रॉपियम, दोस्तों बेलियम, ये सब जो आप देख रहे हैं आदि के अपशिष्ट पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो जन स्वास्थ्य के लिए अति घातक होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि पर्यावरण के प्रति छात्रों को जागरूक बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। देखिए गाइस, अगर आप ऐसे क्वेश्चन को बनाकर नहीं लिख पाते ना, तो फिर तो बड़ी दिक्कत होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण शिक्षा का केंद्र होती है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण संरक्षण के लिए बेजोड़ भूमिका अदा करती है। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा भावी नागरिक छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान प्रदान किया जाता है, उनमें दक्षताओं का विकास किया जाता है और सबसे बढ़कर उनमें दृष्टिकोण निर्माण और सहभागिता की भावना का विकास करके शिक्षण संस्थाएं पर्यावरण में समर्थ नागरिकों का निर्माण करती है। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो चलिए दोस्तों, भूमिका देखते हैं। पहला भूमिका, बालकों में जीवनोपयोगी आवश्यक मूल्यों का विकास करना है। बालकों में उपयोगी ज्ञान से सुसज्जित करना है। छात्रों के ज्ञानात्मक पहलुओं को पूर्ण विकसित करना है। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है कि हमारी संस्कृति एवं प्राचीन भारतीय आदर्शों को संरक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उन्हें समाविष्ट किया जा सके। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं। बालकों में प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नेतृत्व के गुणों का विकास करना होता है। अंतिम पॉइंट है कि बालक को चारित्रिक एवं नैतिक विकास के अतिरिक्त आध्यात्मिक विकास की ओर भी उन्मुख किया जा सके। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानवीय मूल्यों की आवश्यकता क्या है, संक्षेप में अपने विचार आपको लिखने हैं। देखिए, आज का मनुष्य जो है ना, भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है और इन्हें प्राप्त करने के लिए वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। धार्मिक संघर्ष, दहेज समस्या, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं और पदार्थों का सेवन, चोरी, कालाबाजारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण से दोस्तों, यदि हम एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष की कल्पना करना चाहते हैं, तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं देंगे छात्रों को, तो फिर क्या होगा, यही सब बढ़ेगा ना, जो आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हमारा प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण एवं उनके दोषों का आपको उल्लेख करना है। प्रयोजनवाद के गुण, पहला दोस्तों देखते हैं, प्रयोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार प्रयोजनवाद बालकों को व्यवहारिक जीवन के लिए तैयार करता है। ठीक है, फिर देखिए, प्रयोजनवाद विचार की अपेक्षा क्रिया को प्रधानता देता है। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक गतिशील तथा विकास की प्रक्रिया मानता है। इस विचार प्रगतिशील शिक्षा को जन्म दिया है। अब इसके दोष क्या है, प्रयोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता, यह केवल लोक में बल देता है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, प्रयोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या रहा है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों को संक्षेप में आपको लिखना है। देखिए, शिक्षक के स्थान के संबंध में वह मानते हैं कि उनके समक्ष जो बालक आता है वह दैवीय प्रकाश युक्त होता है और शिक्षक का प्रमुख दायित्व है कि इस प्रकाश को देखना। शिक्षक को जो भावी यश के तेज प्रकाश को नहीं देखते, अपने ज्ञान पद और राष्ट्रभाव के दर्पण में उसे सर्वदा घृणा करते हैं। वे एक अध्यापक के पद के योग्य नहीं होते हैं।
देखिए, शिक्षार्थी के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे गुणों की परिकल्पना की है, जिनमें से मतलब कुछ प्रमुख इस प्रकार है: व्यवहार में विनम्रता, नियमों का अनुपालन, ठीक है, व्यवस्था व स्वच्छता में रुचि, निंदनीय, असभ्य व दोषपूर्ण बातों से दूर रहना, व्यक्तिगत व सामाजिक जीवन में अनुशासन, आंतरिक बल व प्रकाश अनुभूति, उच्च अभिलाषा, सौंदर्य के प्रति लगाव, स्वतंत्र विचार, भक्ति व तपस्या, शांति व साधना। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि जिसको देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक एवं विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार आपको लिखने हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहला आता है आपका शाश्वत मूल्यों का संरक्षण। देखिए, प्रत्येक समाज में कुछ स्थायी मूल्य होते हैं जो समाज को स्थायित्व प्रदान करते हैं। भारतीय समाज के शाश्वत मूल्य हैं सहिष्णुता, सत्यम, शिवम, दूसरों का कल्याण, अहिंसा आदि। ठीक है, अगला है दोस्तों पॉइंट आपका, नवीन परिवर्तन लाने में सहायक। समाज में विभिन्न कारकों के फलस्वरूप नवीन विचार जन्म लेते हैं जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। देखिए, एक बात आपको बताते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको सिर्फ हेडिंग याद करनी है। अगर आप हेडिंग याद रखेंगे तो उसके अंदर आप कुछ ना कुछ बनाकर लिख लेंगे। अगर आपको हेडिंग ही याद नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला दोस्तों फिर पॉइंट आता हमारा कि सांस्कृतिक हस्तांतरण। देखिए दोस्तों, सांस्कृतिक हस्तांतरण की क्रिया समाज को स्थायित्व एक निरंतरता प्रदान करती है। समाज मतलब साथ में आवश्यकता अनुसार सुधार के लिए भी मार्ग प्रशस्त करती है। अगला दोस्तों सामाजिक गतिशीलता। समाज एक गतिशील संबोध है, स्वतः गतिशीलता के कारण इसे सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। अगला है कि सामाजिक सुधार। शिक्षा के द्वारा ही समाज में सुधार हेतु आंदोलन की पृष्ठभूमि सृजित होती है। ज्ञान के क्षेत्र में विकास। देखिए, शिक्षा के द्वारा ही प्रतिदिन ज्ञान के विभिन्न आयामों का विस्तार हो रहा है जो परिवर्तन में मार्गदर्शक बनते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व। समाज में नवीन परिवर्तन लाने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शिक्षा समाज में ऐसे कुशल व्यक्तियों का निर्माण करती है जो सामाजिक आंदोलनों एवं परिवर्तनों का नेतृत्व कर सके। फिर अगला पॉइंट है परिवर्तनों की समीक्षा। देखिए, सभी सामाजिक या सांस्कृतिक परिवर्तन वांछनीय एवं सकारात्मक नहीं होते हैं। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे परिवर्तन की सदैव समीक्षा करने की भी है। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि फ्राबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, आपको ये बताना है। पहला पॉइंट आता है दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा बिंदु, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। तीसरा बिंदु दोस्तों है कि शिक्षा का तीसरा उद्देश्य दैवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना है। फ्रावेल कहता है कि एक दैवीय शक्ति व्यक्ति के कार्यों को नियमित बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, यदि बालक इस दैवीय शक्ति के अनुकूल कार्य करता है तो उसकी प्रगति होती है, और यदि वह इसके प्रतिकूल कार्य करता है तो उसकी अवनति होती है। तो फ्राबेल के अनुसार प्रत्येक शक्ति का विकास अपनी क्रियाशीलता के अनुसार अंदर से बाहर की ओर होता है। अतः शिक्षा की समस्या इस विकास को समझना है और शिक्षा का उद्देश्य इस विकास को और आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि जन संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं प्रभाव को अपने शब्दों में आपको लिखना है। देखिए, आपको अपने शब्दों में लिखना है तो आप इसको बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन दो चार लाइनें हम आपको बता देते हैं। जैसे कि देश में साक्षरता के प्रसार के साथ ही समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों की मांग तेजी से वृद्धि हुई है। शिक्षित लोगों के रोज प्रातः समाचार पत्र पढ़ना एवं टीवी देखना एवं उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बन चुका है। ठीक है ना, ये सब चीजें आप बनाकर बढ़िया लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे और इसकी नियुक्ति कब हुई। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। इस आयोग की नियुक्ति 23 सितंबर 1952 को हुई थी। हंटर कमीशन की विशेषता क्या थी, आपको ये बताना है। हंटर आयोग ने शिक्षा का उत्तरदायित्व तो भारतीयों को देने का सुझाव दिया, जिसमें देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। वुड के घोषणा पत्र के चार दोष आपको लिखना है। देखिए, सरकार को सौंप कर शिक्षा को पूरी तरह से राज्य के अधीन करके उस पर नौकरशाही का आधिपत्य स्थापित कर दिया। दूसरा, भारतीय लोगों को इस उद्देश्य से शिक्षा देने से कि मतलब ब्रिटिश शासन को मजबूत बनाने में सरकार का मतलब सहयोग दे सके। तीसरा बिंदु है कि भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भारतीयों को सरकार का स्वामी भक्त बनाना था, इससे भारतीयों को विशेष लाभ न पहुंच सका। चौथा बिंदु है कि भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में आंशिक रूप से स्वीकार तो किया, लेकिन अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम बनी रही तो देसी भाषाएं विलुप्त हो गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है, लिखिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों देखते हैं सीधे। वह दोस्तों पहला अंग्रेज विद्वान था जिसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद समाप्त किया। दूसरा बिंदु, मैकाले के विवरण पत्र ने भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान ज्ञान के द्वार मतलब खोल दिए।
तीसरा पॉइंट है कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय जनता में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना उत्पन्न करके उनमें राजनीतिक जागृति उत्पन्न की। यदि दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम कभी भी ना छिड़ता। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि मिशनरी स्कूलों की विशेषताएं आपको बतानी है। कक्षा शिक्षण प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। आधुनिक शिक्षण विधिया का प्रयोग किया गया यहाँ पर। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना खर्च हुआ था। सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001 से लेकर 2002 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में कुल खर्चा, ठीक है, 13,328.79 करोड़ खर्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि बाल अपराध कब और किसने निर्धारित किया। इसको देखते हैं। देखिए, जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा किया गया कानून विरोधी कार्य है, जिसे कानूनी कार्रवाई के लिए मतलब बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 संशोधित 2000 के अनुसार 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष की आयु तक की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत बालक द्वारा कानून विरोधी कार्य बाल अपराध होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने हेतु आपको साधन बताने हैं, ठीक है ना। तो पहला दोस्तों आपका आता है कि बौद्धिक साधन। फिर से दोस्तों हम आपको कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी हेडिंग थे इसको याद रखिएगा। दूसरा आपका आता है शारीरिक साधन, ठीक है। तीसरा आपका आता है संवेगात्मक साधन। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। बौद्धिक साधन में दोस्तों क्या क्या होता है। इसमें दोस्तों उन क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं जिनकी योजना बनाने में बौद्धिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसमें से हम दो साधन निहित करते हैं, पाठ्यक्रम क्रियाएं, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं। शारीरिक साधन देखिए, इसमें हमें विद्यालय के छात्रों को इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को करने के अवसर प्रदान करने होंगे जो बालक में देश प्रेम का भाव उत्पन्न कर सके, ठीक है। उदाहरण के लिए एनसीसी द्वारा अनुशासन का गुण उत्पन्न करना, राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा सेवा भाव उत्पन्न करना, ये सब चीजें। संवेगात्मक साधन में देखिए, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की मतलब आधारशिला संवेगात्मक एकता है। छात्रों को उचित संवेगों का प्रशिक्षण विद्यालय वातावरण में दिया जाना चाहिए, ये सब चीजें। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एकता बनाने में अध्यापक की भूमिका आपको बतानी है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे टीचर की भूमिका हर जगह कुछ ना कुछ होती है, तो देखते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट सीधे हम आते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय भावना के प्रति आस्था रखते हो। दूसरा, तथ्यों की विवेचना करते समय उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। तीसरा, बिंदु के अन्य व्यक्तियों के कल्याण का भाव उनमें होना चाहिए। चौथा, सत्य को स्वीकार करने की क्षमता। पांचवा, स्पष्ट एवं स्वतंत्र चिंतन। पक्षपात मतलब पूर्ण नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की भावना का होना। सभी छात्रों से प्रेम व उनके लिए आदर भाव होना। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमारा मूल्य का अर्थ आपको लिखना है। तो मूल्य क्या होता है इसको चलिए देखते हैं। मूल्य के लिए दोस्तों हम लोग अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यदि हम इस शब्द के उद्भव को जानने का प्रयास करें तो ज्ञात होता है कि यह शब्द लैटिन भाषा के वैलियर से बना है। वैलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ होता है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व आदि, ठीक है। जिसके द्वारा दोस्तों मतलब कोई वस्तु लाभदायक या सम्मान योग्य बनती है। इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है, देखिए इसको, व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण होता है, सम्माननीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। यह गुण दोस्तों आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक एवं पारस्परिक सौहार्द की विशेषता आपको लिखनी है। शिक्षा सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह विभिन्न संस्कृतियों में सम्मान तत्वों की खोज और विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए बालकों की एकता का पाठ पढ़ा सकती है। राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की एकता और अखंडता आदि को बालकों में शिक्षा की सहायता से सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है तथा सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों बारी आती है 2019 के क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों कैसे पूछे गए थे आपके। तो देखिए, लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय है। शिक्षा द्वारा लैंगिक असमानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका आंसर। देखिए, संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धनी हो या निर्धन, किसी भी जाति का हो या किसी भी प्रदेश का या कोई भी भाषा बोलने वाला,
स्त्री हो या पुरुष, किसी भी धर्म का अनुयायी हो या उसका मतलब उसके साथ समान व्यवहार किया ही जाएगा तथा उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। उद्देश्य दोस्त इसके देखते हैं, बालक एवं बालिका दोनों को समान रूप से देखना, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करना, समाज में फैली विषमताओं को दूर करके सभी बच्चों को विकास का मतलब समान अवसर दिया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की कि शिक्षा बालकों में समानता की भावना का विकास करें, इसके लिए आवश्यक है कि बालक बालिकाओं को एक स्तर तक अनिवार्य निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समान गणवेश, समान बैठने के स्थान तथा सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में बालक बालिकाओं की समान सहभागिता होनी चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव न होता, इस बात का पूरा हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें दोस्तों है। फिर देखते हैं कि भारतीय संविधान, ठीक है ना, में राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु मतलब स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। सारांशतः दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भारतीय को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, धनी हो या निर्धन, किसी जाति वर्ग लिंग का हो, सभी को मतलब समान आदर की भावना से देखा जाएगा, ठीक है। इसके लिए दोस्तों शिक्षण समस्याओं पर सुनियोजित ढंग से कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए तथा पाठ्यक्रम में उसके अनुरूप परिवर्तन लाना चाहिए। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे जो आपने पहले नहीं देखा होगा। तो देखिए एक बात और आपको बताते हैं, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे ना, ये सब लघु उत्तरी के प्रश्न हैं, तो आपके मन में कुछ ना कुछ याद हो जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या होता है, लघु उत्तरी में आप थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक से बनाकर लिख सकते हैं अच्छा आंसर, ठीक है। लेकिन इस वीडियो सीरीज के दोस्तों आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखना। देखिए वो भाई बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, पार्ट 1 में बहुविकल्पी है, पार्ट 2 में दोस्तों आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न है, उनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक न किए तो लाइक वाली बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।